अच्छा कुमार गुण का छाप। अगर चाहो किसी चीज को पाने की तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अगर साथ हो तुम्हारे सोनू सूद भैया, अच्छा मनीष भैया, भगवान भी बोलेगा कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैरवा दर्द कर रहा है महाराज, गेटवा खोल भाई ना। बोले अरे फिर तो लास्ट में ऑप्शन यहाँ है जी। अच्छा उधर कमजोर गेट है ये है। जो हम लोग हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक 5,000-10,000 खर्चा करेंगे। मेरे पड़ोस में एक बच्चे हैं जो विकलांग है। अच्छा उनके पिताजी को गार्जियन पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं है, लेकिन अच्छा। बच्चे को देखे मैं जो उत्सुक है पढ़ने में। हाँ। तो बच्चा बोला हमको वहाँ यदि मोनू भैया से मिलान करवा दीजिए जी, वहाँ हमको हेल्प मिल जाएगा तो हम वहाँ पढ़ने के लिए चले जाएंगे। उसी के लिए आप आए हैं जी? स्टूडेंट लोग का 5 घंटा ले रहे हैं, समझ रहे हैं 5 घंटे में कहाँ से कौन स्टूडेंट पहुँचेगा। कोचिंग छोड़ के सब आए हैं, कोचिंग छोड़ के तुम भी आए हो। हाँ तब क्या। आई लव ऑलवेज सोनू सूद। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेवन न्यूज इंडिया। अभी मैं ज्ञान भवन के पास हूँ, आप हमारे सामने में देख सकते हैं सोनू सूद की यहाँ पर तस्वीर लग गई है। और यहाँ पर देखिए गेट के सामने में कई सारे युवा जो है पूरा उत्साहित खड़े हैं और तब से किलकारी की गूंज यहाँ पर उठा रहे हैं और बार बार सोनू सूद का नाम ले रहे हैं और तब से वहाँ से चिल्ला रहे हैं जो सोनू सूद बिहार आ रहे हैं, वेलकम टू सोनू सूद, वेलकम टू सोनू सूद। एक दो शायरी भी पढ़ रहे हैं और एक दो कह रहे हैं कि सोनू सूद बिहार आ रहे हैं, सोनू सूद भगवान कहे जाते हैं, सोनू सूद जो मसीहा हैं लोगों गरीबों के मसीहा सोनू सूद आज हमारे बिहार आ रहे हैं। उनको मिलने के लिए उनसे मिलने के लिए आज जो है कई लोग 1,000 रुपया तो कई 1,500 तो कई 1,200 रुपया खर्च करके यहाँ ज्ञान भवन में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं, ज्ञान भवन की आप तस्वीर देख सकते हैं। पूरा चकाचक यहाँ पर हो गई, पूरा सफाई उफाई तैयार हो गई, सोनू सूद 4 बजे के आसपास पहुँच जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है सोनू सूद का, जो है यहाँ पर एक पोस्टर यहाँ पर तैयार है। और भी आप देख सकते हैं लड़कों को देख सकते हैं पूरा एकदम चिल्ला रहा है, तब से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए जो लड़कों की जो उत्साह जो है ये किस तरह से उत्साह है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए एक मैम से भी जान लेते हैं आखिरकार मैम क्या कहना चाहती है। मैम बताइए, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है। प्रियंका सिन्हा, अच्छा मैम बताइए सोनू सूद जी बिहार आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले सोनू सूद से मिलने के लिए स्टेज पर तो क्या सबसे पहले क्या बताइएगा सोनू सूद जी को? सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलेंगे बिहार के लिए कोरोना में जो उन्होंने किया। अच्छा वो बहुत ही सराहनीय है। अच्छा जो कि अच्छे अच्छे हीरो भी नहीं कर सके। अच्छा इसके लिए आप उनको थैंक यू बोलिए, इवन कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी उतना नहीं कुछ किए जितना सोनू सूद जी कर दिए हमारे हमारे देश हमारे बिहार राज्यवासियों के लिए, बिहार बिहार हमारे बिहार के लिए जो उन्होंने किया। इसके अलावा मैम सबका पर्सनल इच्छा होता है कुछ जाहिर करने का, तो आप सोनू सूद के साथ क्या जाहिर करना चाहते हैं पर्सनल इच्छा? बस उनको बताना चाहूंगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इतना ही? अच्छा बहुत सारी इवन लड़कियों का शौक रहता है सोनू सूद जी आएंगे तो उनको कुछ और भी बहुत सारी चीज बताएंगे, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था उनके सामने जाने के बाद ब्लैंक हो जाए। अच्छा ब्लैंक हो जाए, कुछ बोल भी ना पाए। बहुत बड़े स्टार है मैम। सही बात है ही स्टार। हाँ। अगर उनके साथ आपको मौका मिले डांस करने का तो क्या डांस करिएगा? ये तो अभी बता नहीं सकती हूँ, शायद मिलने के बाद वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करके। ये देख लिए एक बच्चा यहाँ पर डफली लेकर के आया है और आएंगे ये बच्चा यहाँ पर डफली बजा करके बिहार का जो स्थिति है जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बना दिया बिहार की स्थिति वही स्थिति है, बच्चा उनके सामने में स्टेज पर जा करके दिखाएगा। गाना भी गाओगे? और ज्यादा डांस मत करो, और ज्यादा डांस मत करो। अंदर जाने के लिए टिकट लगता है 1,000 से 1,500 रुपया, कहाँ से दोगे? लगा ले। हैं? लगा ले। हाय पैसा है तुम्हारे पास? 1,500 रुपया कहाँ से मिला है? लोग दिए हैं? सोनू सूद को गुटका खाते हुए जाके दिखाओगे? बाहर फेंक के जाएंगे। बाहर फेंक के जाओगे? देखिए कितना दिल का साफ लड़का है, गुटका खा रहे हैं। मैंने पूछा सोनू सूद को गुटका खाते हुए जाओगे तो कहा था कि नहीं बाहर फेंक करके जाएंगे। बाकी और ये बताइए डफली लेकर के कर रहे हो कितना रुपया मिल जाता है दिन में तुमको? दिन में कितना मिल जाता है? 800 रुपया एक दिन मिल जाता है डफली बजा के? अच्छा खासा कमा रही, इवन कि हमारे बिहार के जो देश हमारे बिहार के जो राज्यवासी उतना भी नहीं कमा पाते जितना तुम एक दिन में कमा पाते हो। हाथ में कलाकार है मुँह में आवाज ही तो नहीं कमाएंगे। तो कौन से गाना भी गाते हो? सब गाना गाओ तो सोनू सूद के लिए। हाँ लाज लग रहा है। ए देखिए तब सोनू सूद से कैसे मिल पाओगे तुम? सब सोनू सूद से कैसे मिल पाओगे इतना बड़ा स्टेज के सामने में, वहाँ पर हजारों लोग रहेंगे। चलो जल्दी से एक गाना सुना दो। ये देख लीजिए यहाँ पर ये बच्चा था और ये बता रहा है कि सोनू सूद अगर आएंगे तो उसके सामने में जा करके उससे मिलेगा और उसको बताएगा जो सोनू सूद से कितना वो प्यार करता है। बाकी चलिए और भी यहाँ के यूथ से भी जान लेते हैं आखिरकार उसका क्या विचार है, वो कितना उत्साहित है और कब से यहाँ पर खड़ा है सोनू सूद से मिलने के लिए।
ये जितने भी भाई साहब हमारे सामने में आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट पर, ये देख लीजिए, ये सभी अभी सोनू सूद जो आ रहे हैं बिहार में उसका इंतजार कर रहे हैं तब से। ये कई सारे लोग 12 बजे से, कई सारे लोग जो है 3 बजे से, कई सारे लोग 4 घंटा से। ये चचा जो है जो हमारे सामने में आप देख रहे हैं, ये कल रात में दरभंगा से आए हैं और कल रात में जंक्शन पर रुके और आज अभी 12 बजे से लेकर के इस गेट पर खड़े हैं। क्या नाम है चचा बताइए? देवती रमन मिश्रा। देवती रमन मिश्रा जी, अच्छा ये बताइए आप इतना फैन क्यों हो गए सोनू सूद जी के? मेरे पड़ोस में एक बच्चे हैं जो विकलांग है। अच्छा। उनके पिताजी को गार्जियन पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं है, लेकिन बच्चे को देखे मैं जो उत्सुक है पढ़ने में, तो बच्चा बोला हमको वहाँ यदि मोनू भैया से मिलान करवा दीजिए। सोनू भैया से? जी। अच्छा। वहाँ हमको हेल्प मिल जाएगा तो हम वहाँ पढ़ने के लिए चले जाएंगे। उसी के लिए आप आए हैं? जी। सोनू भैया से मिलकर के बताइएगा, उसके पापा जो है ये हैं और वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसको मदद करिए। मदद करिए। अच्छा, इसीलिए कल रात में आ गए? जी। कल रात में कितना बजे निकले थे घर से? घर से तो निकले थे सवेर में, तो वहाँ से 6 घंटा लग गया पटना सिटी में आने में। अच्छा। तो शाम हो गया था तो वहीं जंक्शन पर रुक गए। पटना जंक्शन पर? जी। और वहीं पर सो गए? जी, खाना पीना खाए, होटल में सो गए वहीं। अच्छा। नींद नहीं हुआ लेकिन किसी तरह सोनू भैया के नाम पर मैं जगे थे। अच्छा। या सो भी रहे थे। अच्छा, आज कितना बजे यहाँ पर आए? सुबह में यहाँ करीब वही 12 बजे, 11:30 12 बजे आए। 12 बजे के आसपास आए। जी। आप जी सर, अपना नाम बताइए। मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार जी। और सोनू सर को देखने के लिए आए? सोनू सर को देखने के लिए आए। इतना बड़ा फैन क्यों हो गए आप? सोनू सर बहुत अच्छे आदमी है, गरीबों के मसीहा। गरीबों के मसीहा। आप सर बताइए अपना। मेरा नाम अमित है। अमित, मैं भागलपुर से। भागलपुर से? भागलपुर से आए हैं। ओ भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से? अच्छा। मैं भी कल ही आया हूँ। कल ही आए हैं? कहाँ पर रुके थे आप? हम होटल में रुके हुए थे। होटल में रुके हुए थे? ओ माय गॉड, इतना फैन फॉलोइंग। वो ऐसी जो आपको इंस्पायर कर दिया सोनू सर? वो रियल हीरो है, तो उनसे वो तो सभी से है। आपका सोनू सर का? नहीं, उनका तो जो सुना सकते हैं आप लोगों में से कोई सोनू सर का कोई सुना सकते हैं? सुनाइए, सुने। पैरवा दर्द कर रहा है, महाराज गेटवा खोल भाइयों ना। से आप बोले से सुबह आए हैं? 9:30 में, उसके बाद से अभी खड़ा है। बोले थे 12 बजे एंट्री हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला 3 बजे एंट्री होगा, फिर पता चला 4 बजे एंट्री होगा, फिर बोल रहे 10-15 बाद लेट हो जाएगा। इंतजार की घड़ी लंबी होती है, सुने है ना? हाँ। कोई थोड़ी ना होता, बट ऐसा इंतजार का फल मीठा भी होता है। हाँ। सुने अरे मीठा आखिर तो सोनू सर आते ही, चाहे 12 बजे घुसाते चाहे 10 बजे रात के घुसाए, आखिर तो सोनू सर ही आते बस, तो इंतजार का फल मीठा क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सोनू सर के फैन हो? हाँ, बहुत बहुत। इतना भी लोग सोनू सर के फैन हो? यस। कोई डायलॉग, कोई गाना या कोई एक्टिंग कोई बता सकते? ये राइटर राइटर राइटर। अगर चाहो किसी चीज को पाने की तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अगर साथ हो तुम्हारे सोनू सूद भैया, अच्छा मनीष भैया, भगवान भी बोलेगा कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुमको मिल जाएंगे तुम क्या बोलोगे सोनू? वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब बहुत अच्छे इंसान है जो सबको हेल्प। तुम क्या बोलोगे जी सोनू सर? हम पहले फोटो खींचेंगे, पहले फोटो खिंचवाओगे? पास के कितना रुपया दिए हो? 1000। 1000 रुपया? तुम जी? हाँ 1200। 1200? तुम जी? 1500। 1500? तुम जी? 1100। 1200? एक ही टिकट का? एक ही टिकट का ही है। 1000, 1200, 1500 और 1000। सेम टिकट? हाँ सेम टिकट। ऐसा क्यों ना पास? हम कहा कि 3 बजे भोर के किए थे हम, 3:23 में किए थे रात के। हाँ ऑनलाइन किए थे, ऑफलाइन यहाँ बिरा के लिए। 12 बजे गए, फिर 3 बजे अभी आए तो बोल रहा है कि रात में सूते नहीं, नहीं क्या 4 बजे गया था, फिर लेट हो जाएगा तो उठेंगे नहीं, इसलिए 12 बजे बोले कि 12 बजे आ जाना, टिकट मिल जाएगा जल्दी, भीड़ नहीं होगा। फिर देख रहे नॉर्मल ही है भीड़, कभी भी टिकट मिल जाएगा। 12 बजे आने की सोचा, अभी इतना लेट हो रहा है एंट्री के लिए। 1000 रुपया तुम खर्चा किए? हम 1200 रुपया। हाँ तुम जी? हम 1500 खर्चा किए। 1500 खर्चा किए सेम टिकट के लिए? 1200 खर्चा किए, 300 इधर उधर, बहुत खर्चा हो गया, 2-3 हजार। सोनू सर से इतना मिलने का तुम लोग करे चढ़ गए? 1500 रुपया? अरे किडनी निकाल के देते जी सोनू सर, अभी तो कुछ नहीं है। आप भी ऐसा काम कीजिएगा तो आपसे भी मिलने के लिए आएंगे सोनू सर से। मतलब हमसे मिलने के लिए? 1500 खर्चा करके? हाँ 1500 नहीं, 5000-10000 खर्चा करेंगे, पैसा का बात नहीं है। आने का खर्चा होगा ना, मान ले कि दुबई है हम, दुबई से आने का खर्चा होगा नहीं? गेटवा खुलवा दीजिए बस, गेट खुलवाइए, अभी हमको डबल देते हैं। आज अगर सोनू सर नहीं मिलेंगे? हाँ तब क्या करोगे? कोई बात ना, कोई बात नहीं, कुर्सी टूटेगा, कुर्सी तोड़ दोगे? 1500 रुपया? 5 घंटा ले रहे हैं समझ रहे हैं, 5 घंटा में कहाँ से कोई स्टूडेंट पहुँचेगा? कोचिंग छोड़ के सब आए हैं? कोचिंग छोड़ के तुम भी आए? हाँ तब क्या, तुम भी कोचिंग छोड़ के? बिहार वाला क्लास चल रहा है, बिहार में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, छोड़ के आए? 1500 रुपया खर्चा, नहीं आएंगे तो कुर्सी तोड़ दोगे? 1500 सिर्फ टिकट में लगा, अभी 12 हल्के लगा। अरे फिर तो लास्ट में ऑप्शन यहाँ है ये है जी। अच्छा, उधर कमजोर गेट है ये है। हाँ सीधे तौर पे पूछा राम, इतना पावर है, इतना पीछे देख रहे पावर। ओरिजिनल बिहारी हो भाई राम? ओरिजिनल बिहारी, देसी बिहारी। कहते हैं जो हम लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे।
दशरथ मान जी जब तक अंदर नहीं घुसेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं हटेंगे। हाँ नहीं हटेंगे। सही बात है। देखिए थोड़ा बहुत डायलॉग आता है जी। बहुत अच्छा डायलॉग आता है। खतरनाक डायलॉग आता है। डायलॉग सीखे आप। अरे तुम ही लोग से तो सीखे है भाई। हम सिखाते हो। आज देखो बच्चा कितना अच्छा शायरी बोला। अच्छा और एक चीज लास्ट में बोलते हैं, अगर सुनू साथ लड़की होती तो प्रपोज करते तुम लोग? प्रपोज नहीं करते, करते बहुत अलग प्रपोज करना दूसरा सेंस वाली बात हो गया। उनका पर्सनालिटी अलग है, देश के बारे में सोचते हैं, तो ये सब हम लोग नहीं सोचना चाहिए। सब गंदा बात नहीं सोचना चाहिए। गंदा प्रपोज करना गंदा बात है। किस सेंस में प्रपोज कर रहे हैं वो मायने रखता है। मतलब आपसे प्यार करते हैं? हाँ प्यार करते हैं, इसी भी बोल सकते हैं। आई लव यू सर, आई लव यू मैम, लव सोनू जी। वंस अगेन एवरीबॉडी सेज आई लव ऑलवेज सोनू सोन, आई लव ऑलवेज सोनू सोन। अच्छा कुमार गुण का छाप। थैंक्स फॉर वाचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।